यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का डर बना हुआ है। हालांकि अब तक 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन दहशत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहराइच के 2 अलग अलग इलाकों में शुक्रवार को किसी जंगली जानवर के हमले की खबर मिली, जिसके बाद गाँव के लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ भेड़िए की तलाश की। लेकिन लोगों की परेशानी और भेड़ियों की दहशत के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम बहराइच पहुंची और रात के घने अंधेरे के बीच खुद ही इस आदमखोर भेड़िए की तलाश तेज कर दी। तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया की टीम है और दिन के उजाले में तो देखिए सभी आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम रात के अंधेरे में आपको ये ऑपरेशन दिखाते हैं। और साथ ही साथ हमने भी कोशिश की कि अगर हम पहुंच पाएं और हम वन विभाग की टीम को इत्तला कर पाएं। ये देखिए, ये रात का ऑपरेशन है, लेकिन इस दौरान हमारी टीम भी, हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर रात के अंधेरे में इसी तरीके से टॉर्च लेकर उनके रेंजर्स के साथ में, पुलिस ऑफिसर्स के साथ चलते रहे। तो हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। ये हमारे सहयोगी अमित हैं और ये हमारे दूसरे सहयोगी ताहिर, और वो दोनों ही देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कल भी आपने देखा कि हम आपको रिपोर्ट्स इनके जरिए दिखा ही रहे हैं कि कैसे आदमखोर भेड़िए बच्चों को अपना निशाना बना चुके हैं, कुछ सीतापुर की तरफ भी मूव कर रहे हैं। बहराइच में अभी भी लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। घाघरा नदी बहती है यहाँ से और घाघरा नदी के आसपास का ये पूरा इलाका है, क्योंकि पानी बढ़ा घाघरा नदी में, जिसके बाद ये अब जो है रिहायशी इलाकों की तरफ मूव कर गए। पूरी तैयारी है, जिस वक्त ये देखें ट्रैंकलाइजर गन से इनको देखिए बेहोश कर दिया जाए। लेकिन हम लोग दिन के उजाले से हटकर रात के अंधेरे में भी आपके लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। बहराइच के 2 इलाके फखरपुर और देवदत्तपुर में जंगली जानवर के हमले की खबर मिली थी। फखरपुर में शाम 7:30 बजे हमला हुआ था, जबकि रात 9:30 बजे देवदत्तपुर इलाके में हमला हुआ। जैसे ही हमले की खबर मिली, वन विभाग की टीम, पुलिस और बीजेपी के नेता भी मौके पर पहुंच गए। तो देखिए, फखरपुर ये एक जगह है और देवदत्तपुर एक जगह है, यहाँ 2 जगह इनके होने की खबर मिली और दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। देखिए ये तस्वीर निकल कर भी सामने आई है, ये फखरपुर बहराइच में दिखाई दिए हैं। शुक्रवार रात 9:30 बजे की ये देवदत्तपुर की तस्वीर है और मौके पर फिर पुलिस पहुंची, वन विभाग की टीम पहुंची, बीजेपी के नेता पहुंचे। बहराइच के सिसैया चिरमुरी हरबक सिंह पुरवा इलाके के करीब 35 गांव में भेड़िए का खौफ बना है। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी वन विभाग के अधिकारियों को भेड़िए का लोकेशन नहीं मिला है। हालांकि अभी भी इस इलाके में वन विभाग की टीम, पुलिस और स्थानीय लोग भेड़िए की तलाश में जुटे हुए हैं। शुक्रवार रात न्यूज 18 इंडिया की 2 टीम भी इस सर्च ऑपरेशन में जुटी। बहराइच में भेड़िए का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 10 और हम मौजूद हैं बहराइच के ग्राउंड जीरो पर, जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हम आज पूरी रात इस पूरे एरिया में जाएंगे, कॉम्बिंग ऑपरेशन, जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मैं और मेरे सहयोगी ताहिर, हम दोनों जो हैं रहेंगे इसी इलाके में और देखेंगे किस तरीके से भेड़िए का सर्च ऑपरेशन लगातार वन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। ताहिर, आप किस इलाके में रहेंगे? मैं रहूंगा बहराइच के मैसी इलाके के हरबक से पुरवा में और पूरे मदरे पर नजर रखूंगा और देखूंगा कि यहाँ पर कॉम्बिंग के क्या किस तरह से कॉम्बिंग चल रही है और एक एक पल की खबर दूंगा मैं। और मैं जो है सीधे इसी इलाके में जा रहा हूं जो कि सिसमरी इलाका है, इस इलाके में जाके देखूंगा कि किस तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन फॉरेस्ट विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये देखा आपने, हमारे सहयोगी आपको ग्राउंड जीरो से रात 10 बजे की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर जैसे ही सिसैया चिरमनी गांव की तरफ बढ़े, उन्हें कई लोग हाथों में डंडे और टॉर्च के साथ दिखाई दिए। ई रिक्शा से जागते रहो, सतर्क रहो की अनाउंसमेंट हो रही थी। कुछ गाँव वालों के हाथों में धारदार हथियार भी दिखे, जो इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए लिए हुए थे। गाँव वालों के साथ वन विभाग के अधिकारी भी पेट्रोलिंग में जुटे थे। जैसे ही हम सीसामढ़ी चौराहे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि गांव में इस तरीके से लगातार जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि भेड़िए को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। गांव का नाम बताइए अपना। सिसैया चूरामढ़ी। सिसैया चूरामढ़ी, आप इसी गांव के रहने वाले? जी जी जी। तो आप लोग सतर्क कर रहे हैं यहाँ पर लोगों को? जी, गाँव गाँव हम लोग सतर्क कर रहे हैं, हर आदमी को जागरण करते हैं कि अंदर लेटिए, बाहर मत लेटिए, रात रात भेड़िया वार कर सकता है। और इस गाँव में भी अटैक किया भेड़िया ने? जी। कब अटैक किया था? मैं 3 दिन पहले। 3 दिन पहले अटैक किया? जी जी। किस तरीके से सारे गांव में लोग सो गए हैं कि जगे हैं? नहीं, जग रहे हैं, जो अंदर पहुँचते हैं, जो जाग जाते हैं उनको जगाता हूँ, जो सो जाते हैं। क्या 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 कह रहे हैं आप? सारी रात जगा रहे हैं, सारी रात 5 बजे तक सबको जगा रहे हैं, जी सोते हैं उनको भी, जो ना सोते हैं तो वो तो जाग ही रहे हैं।
जरा जरा ये सुनिए, सबसे पहले तो आपको ये सुनाऊं, लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, जरा इसको सुनिए आप, इसको सुनिए। डरे नहीं, सावधान रहे। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। हमारे सहयोगी देखिए गांव में मौजूद हैं और यहां से पेट्रोलिंग होती हुई जा रही है, लेकिन इसी बीच में सभी गांव वाले भी मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, रात को अनाउंसमेंट कर रहे हैं, धार धार हथियार अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये एक वीडियो सामने आया है बहराइच से ही, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए भेड़िया और इसी के और साथी भी हैं जिनको खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस भेड़िए का ये वीडियो आप देखिए, यही भेड़िया है और ऐसे और दो तीन भेड़िए हैं जो कि अभी भी गायब है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए जल्दी देखिए, यहाँ पर एक और गाड़ी जो है किस तरीके से लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार किस तरीके से यहाँ पर। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग कृषि विभाग से, हम लोग कृषि विभाग से, उप कृषि निदेशक के ऑफिस से, एसडीओ। तो देखिए आप लोग भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं लगातार भेड़िए को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि सतर्क होकर अंदर सोएं, छोटे बच्चों को हो सके तो छत पे या अंदर दरवाजे के अंदर सुलाएं, जिससे जो भेड़िया अभी दो भी पकड़े जाने हैं, तो जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक हम लोग को जागरूकता के साथ अभियान चलाना है। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी अधिकारी हैं सभी डिपार्टमेंट के, डीएम के आदेश के बाद ये लगातार ये इनके गाड़ियों पर ये लगा हुआ है, अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आपके गांव में जंगली जानवरों द्वारा रात और घोर पहाड़ में छोटे बच्चे एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप पूरी तरीके से अलर्ट पे हैं जितने भी प्रशासन के, ये कृषि विभाग के अधिकारी हैं लेकिन लगातार घूम रहे हैं इलाके में, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। इस वक्त बज रहे हैं रात के 11 और गांव के लोग सोए नहीं हैं बल्कि अलर्ट हैं और लगातार भेड़िए की तलाश कर रहे हैं ताकि भेड़िया किसी भी तरीके से किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। ये बताइए, टॉर्च तो आप लिए ही हैं हाथ में, ये क्या है? ये फरसा है, अपने सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। अपने सुरक्षा के लिए फरसा, जरा ये दिखाइए दिखाइए, ये देखिए पूरा इंतजाम किया, अभी बनाया है हाल फिलहाल की पहले से बना हुआ था? अभी बनाए हैं, भेड़िए के लिए बनाए हैं, भेड़िए के लिए बनाए हैं, वो हमला ना कर पाए, हमारे पास हमला ना कर पाए, इसीलिए हाथ में टॉर्च, एक हाथ में फरसा कि सामने मिल जाए तो तुरंत आप पर वार करने से पहले आप वार कर दो। हम भी वार कर देंगे तुरंत। बाकी गांव के लोगों को देखिए, बड़े बड़े टॉर्च हाथों में डंडे के साथ, वो यहां पर पूरी तरीके से अलर्ट हैं, हाथों में टॉर्च है इनके। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, इसके बाद तालाब, तालाब के बाद जो है वो आप देख पा रहे हैं जंगल का इलाका है, घाघरा नदी का ये पूरा इलाका है। ये आरएफओ की ये गाड़ी है, आरएफओ हैं, वो गए हैं अंदर। तो इस तरीके से जो गांव हैवी अलर्ट पे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ तस्वीरों में आरएफओ यहाँ पर उतरते हुए, और ये लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। लगातार आप लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं सर? कॉम्बिंग ऑपरेशन, यस यस यस। अभी फ़िलहाल मैं पास के सारे गांवों में मैं जाके देख रहा हूँ, और यहाँ पे कोलैला और आही और उधर दीवानपुर, वहाँ सब में हम लोगों ने देख लिया है, और ग्रामीणों को बार बार हम लोग बार बार बता रहे हैं, चेता रहे हैं कि घर के अंदर सोएं, चूँकि लाइट की व्यवस्था भी पहले से चुस्त दुरुस्त हो गई है, तो चीज़ें पहले से संतुलित हो रही हैं, और हमें आशा है कि रात के दौरान जो हमारा जो सबसे बड़ा टास्क ये रहता है कि कैसे करके हम लोग रात में ग्रामीणों को या बच्चों को कैसे करके हताहत होने से बचाएं, और दिन में हमारा जो मेन टास्क है उसको हम कैसे करके पकड़ें। रात में ही कहा जा रहा है कि भेड़िया जो है इस इलाके में आ सकता है रात में ही, क्योंकि दिन में सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो आराम करता है। जी जी जी, होता है यही है, इसीलिए चूँकि रात में ऑपरेशन करना, उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है, आसपास के गन्ने के खेत हैं वहाँ पे भी पानी भरा रहता है, और खाबड़ वो जो भी जाल लगाते हैं हम लोग या पूरा ऑपरेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन है कि अगर थर्मल ड्रोन में अगर हमें
बिक जाता है तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं उसको कैसे करके पकड़ा जाए। तो ये है पंकज साहू। पंकज साहू फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, रात में आज ये पूरे इस इलाके में शिफ्ट पर रहेंगे। पंकज साहू के साथ हम अंदर भी जाएंगे, किस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चला रहा है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर ताहिर हुसैन भी बहराइच के गांव पहुंचे और इस गांव में भी भेड़िए के हमले की खबर मिली थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने लाठी डंडों से खेत में सर्च ऑपरेशन चलाया। आपको ग्राउंड जीरो से ताहिर की रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं हरबंग सिंहपुरवा में, जहां पर देखिए पुलिस के जवान जो है यहां पर कामिंग कर रहे हैं और भेड़िए की तलाश की जा रही है। आप देख सकते हैं ये इस तरफ भेड़िया होगा, ये बता रहे हैं कि इस तरफ भागा है ये भेड़िया और उसकी तलाश कर रहे हैं। कब से आप लोग कामिंग कर रहे हैं इस इलाके में जो है? आप देखिए ये गोले की आवाज भी आई है और ये लोग भागने की आवाज लगा रहे हैं। यहाँ पर ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किसी तरीके से लोग बाहर न निकले और हो सकता है इन्हीं खेतों में भेड़िया कहीं छुपा बैठा हो, उसको भगाने के लिए यहाँ पर पटाखे लाके जा रहे हैं। गोले की आवाज कितनी तेज आई है ये, हालांकि हमको लोग मना कर रहे हैं कि इस इलाके में ज्यादा मत जाइए, रात में अंधेरा है, कहीं उस भेड़िए की आमद ना हो, कहीं बैठा ना हो, चूंकि वो चुपके से हमला कर देता है। इसलिए देखिए आप ये पूरी फोर्स है यहाँ पर फॉरेस्ट की और पुलिस की, सभी लोग ये टार्च लेकर कॉम्बिंग कर रहे हैं। आप देखिए उस तरफ क्या उस तरफ को दिखाई दिया क्या आपको कुछ? आप लोग इस तरफ कर रहे हैं, ये कोई 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 दस्तक भी नहीं गया इसकी, किसी तरफ यहाँ पर कोई भेड़िया दिखाई दे रहा है क्या? कब से आप कॉम्बिंग कर रहे हैं? ये लगातार देखिए इन इलाकों में गोले डाके जा रहे हैं, तेज आवाज के गोले हैं कि अगर कहीं भेड़िया छुपा हो तो वो यहाँ से निकल जाए। और जिस वक्त हमारी टीम वहां रिपोर्टिंग कर रही थी, वहां अचानक भेड़िया आने की खबर फैल गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये देखिए लोग चिल्ला रहे हैं इसी इलाके में, लगता है कि भेड़िया कहीं दिखाई दिया है। आप देखिए ये खदेड़ रहे हैं गांव वाले और ये गन्ने का खेत है, ये इसी इलाके से भागा है, ये लोग बता रहे हैं इसी गन्ने खेत में है, इसी गन्ने खेत में है, इसी यहाँ हाका लगा रहे हैं ये लोग कि कहीं इनकी आबादी में न घुस जाए, इसीलिए ये लोग गन्ने के खेतों में आ गए हैं। रात के 1 बजे का वक्त है, आप देखिए सारे ग्रामीण उस भेड़िए की तलाश में अब सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं इस गन्ने में। हालांकि डर का समय है, डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है, पुलिस के जवान मुझे मना कर रहे हैं कि ज्यादा खेत में न जाइए आप, कहीं वो हमला न कर दे आपके ऊपर। हालांकि देखिए रात का 1 बजे का वक्त हो गया है, लोग जैसे उसकी कोई दस्तक लगती है उन्हें कि कहीं भेड़िया आ गया हो तो उससे निपटने के लिए हाका लगाते हैं, लाठी डंडों से उसको भगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं गाँव में ना आ जाए, किसी बच्चे पर वो हमला ना कर दे, उसकी जान ना ले ले। 2 भेड़िए हैं, 3 टांग का एक भेड़िया है जो काफी एग्रेसिव है, ये वन विभाग के अधिकारियों ने भी बताया था कि वो अब एग्रेसिव है, वो बदला ले सकता है। जहां पर अभी मूवमेंट का कुछ अंदाजा हुआ था कि इस इलाके में भेड़िया हो सकता है, घाघरा नदी की कछार का पूरा इलाका है ये, उस इलाके में देखिए किस तरीके से ये बंदूकें लेकर, ये जवान जो है ये बंदूकें लेकर किस तरीके से तैनात है यहाँ पर कि किसी भी गाँव वाले को हम किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। और इसी तरह बहराइच के अलग अलग गांव में रात भर ऑपरेशन चलता रहा, ना तो गांव वाले सोए और ना ही अधिकारी, सभी लोग रात भर जाकर इस आदमखोर भेड़िए की तलाश करते रहे ताकि लोगों के बच्चे घर पर चैन की नींद सो सके। 35 गांव ऐसे हैं जहां पर आदमखोर भेड़िए का आतंक है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 2 और मैं जो है सीसामढ़ी के तरफ था और सीसामढ़ी में तकरीबन 12 से 13 गांव पड़ते हैं। ताहिर आप किधर? मैं था मैसी इलाके के हरबंग सिपुरवा में और 22 गांव बताइए, नत्थापुरवा है, सिकंदरपुर है, तमाम गाँव है जहाँ पर मैंने रातों में लोगों को जागते देखा है और छतों पर देखा है कि अपने बच्चों को गोद में लिए हुए हैं क्योंकि कहीं भेड़िया उनका शिकार न कर ले, और तमाम सुरक्षा कर्मी जो है उनकी मुस्तैदी कर रहे हैं, गांव में गश्त कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो अब तो और जिस इलाके में मैं था वहां तो अफवाह फैल गई थी कि भेड़िया देखा गया, भेड़िया देखा गया, उसके बाद बकायदे वहां पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। यानी ये कहा जा सकता है कि लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं और उनके डर भय को प्रशासन, वन विभाग के अधिकारी, प्रशासन जो है वो निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। बहरहाल आज रात भी आदमखोर दोनों भेड़िए नहीं पकड़े गए हैं और वन विभाग के अधिकारी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया।